एक सिपाही जब कत्ल होता है तो जितने दुश्मन वो मारता है उतने ही बुत उसकी कब्र पर बना दिए जाते हैं, बलबल के बुत। हमारी रिवायत है। अल्बेस, बलबल के बुत मेरे बहादुरों की कब्रों के पास लगा दो ताकि हर आने जाने वाला ये देखे कि कारातेगिन के सिपाही कितने बहादुर थे और कितने ताकतवर थे। अगर मैं मर गया मेरा बलबल बुलबुल जैसा बनाना शुरू कर दो अल्बेस। इंतकाम तो लेना ही है मुझे उससे। हाँ, मगर मेरा बलबल का बुत विक्टोरिया से ज्यादा खूबसूरत हो। कारातेगिन भाई, सुल्तान नूरुद्दीन कबीला गांव आ रहे हैं और सरदार भी जमा हो रहे हैं कोई अहम फैसला करने के लिए। मेरे कबीले में नूरुद्दीन जिरका करने आ रहा है लड़के, कहीं वो दोनों ब्याह व्याह तो नहीं कर रहे? मुझे मालूम नहीं भाई, लेकिन मलिक मौदूद के साथ आएंगे सुल्तान। आला, मलिक मौदूद के साथ आ रहा है वो। मुझे सरदारों का सरदार कबूल करने वाले हैं। सलाहुद्दीन का कबीला वहां से हटेगा। सीधे हो गए ना, मालूम हो गया मेरी ताकत क्या है। हाँ, मुझे मेरी जगह से कोई नहीं हटा सकता। अल्बेस, गोश्त का ढेर लगा दो, बहुत सारा गोश्त पकाओ। लंबे शोरबे में मैं रोटी चूर कर खाऊंगा। ऐ साथियों, ऐ जाने कुर्बान करने वालों, तुम्हारी ताकत ने, जानिसारी ने मुझे सरदारों का सरदार बना डाला है। तुम्हारा इंतकाम लिया जाएगा, ये तुमसे सरदारों के सरदार का वादा है। खुश रहो आसमानों पे ऐ साथियों। समझते थे मुझे भटका दोगे, हम इनका ताकुब करेंगे और ये फितना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आ जाओ। हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आ,
पर सलाहुद्दीन हम तक पहुंच भी गया तो उसे माबत तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसके लिए जाल बिछाते रहो। जो आपका हुक्म मेरे आका। ये बुरी तरह जख्मी हुआ है, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, ठीक हूं। इसे फौरी इलाज की जरूरत है। हमें अवराम तक पहुंचना है इससे पहले कि वो दूर निकल जाए हमसे। इब्राहिम, इदरीस के जख्मों की मरहम पट्टी करो। चलो। मुकद्दस ताबूत सकीना के रखवालों की तरफ से आकाओं की खिदमत में दिली सलाम। हम खुदा की अमानत इसराइल के लिए ले आए हैं। खुदा इसराइल का निगेबान हो, हमारे इस मुकद्दस ताबूत सकीना को रास्ते में दुश्मन ने तो नहीं देखा? देखने वाली आंख सुला दी जाएगी हमेशा के लिए। कोई भी ये ताबूत सकीना और हमारा माबद ढूंढ ना पाएगा। अब हमें माबद में चलना चाहिए। हमारे रहनुमा अवराम तशरीफ लाकर हमें एजाज बख्शेंगे, अपने निजात दहिंदा और सल्तनत के लिए दुआओं का आगाज करेंगे। ताबूत सकीना माबद में पहुंच चुका है मेरे आका। तमाम बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहे हैं। सलाहुद्दीन की कोई खबर? जी नहीं मेरे आका, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा पीछा कर रहा है। माबत नजदीक है, इस जगह से आगे सिर्फ हम जाएंगे। माबत का राज सलीबी ना जान पाए। तुम एहतियातन सलाहुद्दीन के लिए जाल बिछाते रहो। ये क्या हुआ सरदार? मुझे शक था कि अब्राहम हमसे छुप कर कुछ कर रहा है, और अब इन लाशों ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब्राहम का ठिकाना ढूंढना होगा, हमें उसका मंसूबा जानना है। चलो। ये क्या हुआ है? इन सलीबियों को किसने मारा होगा? अब्राहम के अलावा और कौन होगा? अब्राहम? लेकिन वो इन्हें क्यों मारने लगा? ताकि वो माबत का पता ना जान पाए। हम माबत के बहुत करीब हैं यकीनन। आ जा। हमारी मंजिल आ चुकी। Ah!
पारस, तुम्हारी टांग पर बहुत गहरा जख्म लगा है, जोर मत लगा। बुजुर्ग, तुम्हें इसके साथ रहना, ठीक है? इसके जख्म पर पट्टी कर देना। जो हुकुम मेरे अमीर। आप अपनी जिंदगी खतरे में डाल दें और मैं यहाँ रुक जाऊं अमीर, मैं एक टांग से भी लड़ सकता हूँ। पारस, तुम चल नहीं सकते, जानते हो? तुम्हारी वजह से हम भी सुस्त पड़ जाएंगे। ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। ये यहूदी है, इन्होंने हर तरफ जाल बिछा रखा होगा। क्या जाने आगे कैसा खतरा मुंतजर है। हमारे दो आदमी जख्मी हो चुके और अभी तक हम माबत पहुंचे भी नहीं। अब हम तीन हैं, ये मुकाबला आसान नहीं होगा। हम इस लम्हे का कब से इंतजार कर रहे हैं। वो माबत ढूंढ निकालेंगे, अवराम के लिए मौत बन जाएंगे हम, चाहे हमें ही क्यों ना मौत आ जाए। ताबूत सकीना और यहूदी बुजुर्ग आपके मुंतजर हैं मेरे आका। बहुत शुक्र, आखिरकार तूने मुझे ताबूत सकीना बख्श दिया। तुझसे तेरे आजिज का यह वादा है, तूने जिस जमीन का वादा किया है इसराइल से, वहां एक भी दुश्मन जिंदा न बचने पाएगा। और मैं वो कायम होने वाली यहूदी सल्तनत तेरे नाम मंसूब कर दूंगा। ये मुकद्दस ताबूत सकीना हमारी फतह की एक दलील होगा। हम दुनिया में फैले तमाम यहूदी भाइयों के नुमाइंदा बनकर हाजिर हुए हैं यहां, और अब आपके पास ताबूत सकीना है, इसलिए हमारे तमाम यहूदी भाई खुशखबरी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, अर्ज़े माहूत भी आज असल हकदारों की बेचैनी से मुंतजर है। और अब हरकत में आने का वक्त आ गया है। माबत? जो माबत देख ले मार दिया जाता है। तुमने तो मुझसे ज्यादा देखा है, इसलिए मरना तो तुम्हें चाहिए। उर्फाली, तुम्हें चारा बनाकर भेजने का फैसला अच्छा था। देखा, तुम घात में बैठे हुओं को बाहर निकाल लाए। अगर ये लोग मुझे मार देते तो मैं भूत बन के तुम्हारे ख्वाब में आता और डराता। हमने माबत ढूंढ लिया,
अवराम और यहूदी बुजुर्ग वहीं होंगे, हम उन्हें वहीं ज्यादा पूछेंगे। हम जिन माऊद सरजमीनों पर अपनी रियासत को कायम करेंगे वहां हमारे सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान होंगे। उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए हमको उन पर एक कारी जर्ब लगानी है। और वो कैसे? हम मुसलमानों के पैगंबर का जसद मदीना से निकाल ले जाएंगे, चोरी कर लेंगे। मैं तो इस सिलसिले में पोप से सौदा तक कर चुका हूं। इस वक्त हमारे आदमी मदीना में राजदारी से खुदाई में मसरूफ हैं। जल्द ही उनके पैगंबर का जिस्म हमारे कब्जे में होगा। ये तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? मुसलमानों के लिए मुकद्दस और क्या है? अल्लाह, कुरान और उनका पैगंबर। उनके पैगंबर का जसद अगर हमारे पास होगा तो वो यकीनन मजबूर और बेबस हो जाएंगे। फिर जो हम उनसे कहेंगे उन्हें करना ही होगा। और इस तरह उन लोगों से दरियाए नील से दरियाए फरात तक का तमाम इलाका ले लेंगे। आप लोगों का और दीगर तमाम कबाइल का मलिक मौदूद से वफादारी का हल्फ करना अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का अमीर सलाहुद्दीन की कबीला गाह में आबाद होना यकीनन खल्फिशार का बाइस होगा। इसीलिए मैं ये मसला हमेशा के लिए हल करने यहां आया हूं। तो कहिए मेरे सुल्तान, हम मुंतजर हैं। इस मसले का हल तो काफी पहले ढूंढना था, अब तो देर हो चुकी, मगर देर आयत दुरुस्त आयत। और फिर जो कुवत मुझे मिली है वो कुवत आपको भी देवताओं ने दी है। हमारी बराबरी का कोई भी दावा नहीं कर सकता। मैं सुन रहा हूं, आप बोले सुल्तान नूरुद्दीन। दरअसल इस मसले का हल तुम नहीं कर रहे, लेकिन हल इस्मत खातून है। मैं इस्मत खातून से रिश्ता इस दबाज में मुंसलिक होना चाहता हूं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अवराम और पादरी कहां है? बेकार कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो खुद तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
में कत्ल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। बोलो। दाई तरफ, राधारी की दाई तरफ। हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें एक खतरा दरपेश है, सो हर हाल में उस खतरे का तदारुक करना है। सलाहुद्दीन और वह खुफिया ताकत जो उसकी पुष्ट पर है, मुसलमानों के लिए वही ताकत है जो उनकी उम्मीद है। अगर उनके साथ सलाहुद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया जाए तो इसका असर पूरे आलम इस्लाम पर पड़ेगा और कमजोर हो जाएंगे वो लोग। हमारे जासूस काफी अरसे से इसकी तहकीकात में लगे हुए थे, इस खुफिया तंजीम के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठा की हैं। तो बताइए। कमरा जरूर उस तरफ होगा। मैंने कहा था ये जंग तलवार से ही खत्म होगी और वक्त आ चुका है। मुसलमानों की पुष्ट बनाई करने वाली ये खुफिया ताकत खुद को दूसरों की नजरों से ओझल रखती है। हम उन सबको तो नहीं जानते, लेकिन उनमें से एक के बारे में हमने मालूमात इकट्ठा की है। उसी एक को इस्तेमाल करके हम उन तक पहुंच सकते हैं। कौन है वो? नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन की बहुत ही करीबी। कोई भी तुम्हें अब मेरे पंजों से नहीं बचा सकता अवराम। उसने हमें जानबूझकर गलत कमरा बताया। खुफिया रास्ता। अब आप लोगों को यहां से बाहिफाजत बाहर ले जाया जाएगा। आप सब हमारे लिए बहुत कीमती हैं। होशियार रहिएगा। मैं ताबूत सकीना लेकर निकल जाऊंगा। हर तरफ हमारे आदमियों को फैला दो। जब तक मैं यहां से ताबूत सकीना लेकर निकल नहीं जाता, सलाहुद्दीन को रोकना है तुम्हें। जो हुक्म मेरे आका। कहां जा रहे हो तुम लोग?
ये कौन है? तुम्हारी मौत। मैं मार भी दो उसके बाद भी तुम जिंदा नहीं बच पाओगे सलाहुद्दीन। हमारी मुकद्दस अर्ज़ माऊद पर एक मुसलमान भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जब तक मैं अपने तमाम दुश्मनों को मिटा नहीं देता तलवार नहीं रुकेगी मेरी। हमें अब्राहम को ताबूत सकीना ले जाने से पहले पकड़ना है। चलो सलाहुद्दीन एक बार फिर नाकाम हो गया। अब वो अंदर ही मौत से जा मिलेगा। चलो जल्दी करो। खत्म कर दो इन्हें। तुम्हारा खौफ बना हो गया अब्राहम। और उसके साथ तुम भी फना हो जाओगे। अब तुम मेरे पंजे से नहीं बच सकोगे। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं सलाहुद्दीन, मेरा खेल तो अब शुरू हो रहा है। तुम्हारी सोच गलत थी, परेशानी का बाइस थी। दरहकीकत तुम शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे थे, मगर कारा तेगन ही इसका जिम्मेदार नहीं फकत। और फिर हालात भी हैं, लिहाजा मुझे सुल्तान नूरुद्दीन की शादी की पेशकश कबूल है।
माबत का राज खुल चुका, इसे तबाह कर दो, फिर मेरे पीछे आओ। ये तो होना ही था। अब मेरे आदमी तुम्हारे लिए मौत लाएंगे। जो होना है तुम उसे देखने के लिए जिंदा ना रहोगे। शादी की पेशकश कबूल करने का क्या मतलब है? हम कोई लड़की नहीं देंगे तुम्हें, खासकर आपा खातून का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इजाजत नहीं चाहिए तुम्हारी, इस मामले में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये मंसूबा मुझसे मेरी सरदारी को छीनने का है, कोई कुछ कहता क्यों नहीं? ये लोग मुझसे देवताओं का तोहफा छीनना चाहते हैं। आप तो बताएं, ये आपके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं मलिक मौदूद? सुल्तान का हुक्म मुझे हर हाल में मानना है। तो फैसला हो चुका, और जिसने भी हमारी इस शादी में जरा सी भी रखना अंदाजी की कोशिश की, जान ले ली जाएगी उसकी। हर तरफ पैगाम रवाना कर दिए जाए और शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। हर कोई जान ले कि आज से इस्मत खातून नूरुद्दीन जंगी की बीवी है। जंगी खानदान और बोरू आज से एक है। आज के दिन से कोई भी नूरुद्दीन जंगी और इस्मत खातून की रजामंदी के बगैर यहां से एक कदम भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं करेगा।